बाद में एक छात्र संदिग्ध हालात में लापता हो गया। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर का है, जहां एक दसवीं का छात्र संदिग्ध हालात में लापता हो गया। 15 साल के अभिनव के पिता राजेश जयंत का कहना है कि उनका बच्चा पबजी गेम के लिए क्रेजी था और उस गेम में उसे महारत हासिल है। इसी गेम की वजह से उसका ब्रेन वॉश हो गया और वह घर से चला गया। 11 तारीख में शाम को 5 बजे से घर से स्कूटी लेके निकला है वो जी। स्कूटी उसने जो मेट्रो स्टेशन है गाजियाबाद का उसको थोड़ा सा पहले ही पार कर दिया और वहाँ से वो हमें एक पड़ोस में ही दुकान है वहाँ पर वो अकेला जाता हुआ दिखाई दिया है। फ़ोन उसके हाथ में है और फ़ोन पर वो मतलब कुछ देखता हुआ जा रहा है जी। किसी पर शक वगैरह को कुछ अगर आप जो कोई लैपटॉप वगैरह कोई मेरा वो ये है कि मेरा बच्चा जो है पबजी खेलता था और पबजी में भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का पबजी के थ्रू किसी ने मतलब ब्रेन वॉश करके उसको जो है बुला लिया। छात्र 11 मार्च से लापता बताया जा रहा है। वहीं छात्र के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गयी है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये थाना सिहानी गेट क्षेत्र से एक 15 वर्षीय बच्चा अपने घर से कहीं चला गया है। जब इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि वो बच्चा पबजी गेम खेलता था और उसके कुछ चैट्स उसके मिले हैं जिसमें वो एक साथी प्लेयर से घर से निकलने की बात कर रहा है। बच्चे को खोजने के लिए हमारी टीमें लगा दी गई हैं। बताया जा रहा है घर से कुछ पैसे और एक मोबाइल भी लेके गया। हम लोग उसको ट्रेस करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द बच्चा मिल जाए। गाजियाबाद के थाना सियानी गेट क्षेत्र से 15 वर्षीय बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। जब इस बारे में परिजनों से बात की गई तो उनका कहना था कि बच्चा पबजी गेम खेला करता था। गेम के दौरान ही उसकी अपने साथियों से चैट पर बात भी होती थी। आशंका ये जताई जा रही है कि लड़का चैट की वजह से ही घर से 15,000 रुपये लेकर कहीं चला गया है। हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस का ये कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है, जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में और न्यूजीलैंड में पबजी गेम पूर्णतः बैन है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।